Baby shark dung 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 baby shark dung 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 baby shark dung 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 baby shark. Assalamualaikum, welcome back to my channel, it's me Nishu. ईद करीब है और ईद पे करनी होती है सबको शॉपिंग, लेकिन सबसे ज़रूरी होता है कपड़े सिलवाना, जो कि अगर थोड़ा सा लेट हो जाए तो टेलर फिर लेता भी नहीं है. सो मैंने आज डिसाइड किया था मैं मर्दान जाऊँगी, क्योंकि मर्दान में है जगह रिशकई या शीरिन कोटो नाम है उसका. वहाँ पर कपड़े बहुत रीज़नेबल प्राइस में मिलते हैं, मतलब अगर 1000 का सूट है तो आपको आराम से 600-700 का मिल जाता है. तो मैं वहाँ पर जाके हिब्बा के लिए और अपने लिए कपड़े ले लेती हूँ, फिर यहाँ आकर वापस टेलर से सिलवा लेती हूँ टाइम से पहले, मतलब ईद आने से पहले. तो आई थॉट कि मैं आप लोगों को भी साथ लेके चलूँ, थोड़ी सी मैं जगह दिखाऊँ, क्योंकि ऑब्वियसली पख्तून एरिया है तो मैं वहाँ पे ज़्यादा रिकॉर्डिंग नहीं कर सकती. ऑब्वियसली मेरे जो एडिटर हैं वो वीडियो नहीं रिकॉर्ड कर सकते थे, क्योंकि वहाँ पर ख़वातीन हैं बहुत ज़्यादा, तो कोई बुरा मान सकता है. लेकिन थोड़ी बहुत क्लिप्स जो है वो मैं आपको दिखाऊँगी कि क्या कुछ मैंने लिया, कहाँ से लिया, किधर से लिया और कितने में लिया. और जब मैं वापस आऊँगी ना तो तमाम चीज़ें आपको डिटेल से दिखाऊँगी, ठीक है? तो चलिए चलते हैं मेरे साथ. और अगर वीडियो पसंद आए तो पता है ना क्या करना है, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर एंड नोटिफिकेशन बेल जरूर प्रेस करिएगा, ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले. सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो. अच्छा जी, तो मास्क और सैनिटाइजर अपने साथ जरूर लेकर जाएं. जी जनाब, तो सफर का आगाज हुआ मर्दान. इतना दूर नहीं है हमारे घर से, लेकिन मुझे अच्छा लगता है थोड़ी बजट फ्रेंडली अगर आप लोगों ने शॉपिंग करनी है तो जरूर विजिट करें. जा रहे इधर जाना है, बैंक जाना. ओ हाँ, बैंक तो जाना है. हमारा रिशकई आ गया, रिशकई. अच्छा, तो रिशकई की एंट्रेंस वाली रोड जो है ना वो बहुत ही उबड़ खाबड़ है, वो आपको नज़र आ गई होगी वीडियो में कि कितना बुरा हाल है. लेकिन जो बाहर जाने वाली आउट वाली रोड है वो बिल्कुल ठीक है मेरे लिहाज से. आपको ठीक नहीं लगेगी लेकिन फिर भी ठीक है. अच्छा, यहाँ पर हमेशा बहुत रश होता है, बहुत मुश्किल से मिलती है जगह, लेकिन वर्थ इट. क्योंकि अगर आप मार्केट में एक कपड़ा ढूँढने जा रहे हो और आपको नहीं मिल रहा, वो आपको मर्दान के रिशकई यानी शीरिन कोटो के मार्केट में मिलेगा. मर्दाना कपड़े, बच्चों के कपड़े, कट पीस, लॉन, मतलब यू नेम इट एंड दे हैव इट. अच्छा, ये चादरें थी एंड आई वाज वेरी क्यूरियस कि ये क्या है. उन्होंने बोला चादर है, 1500 रुपए की थी, लेकिन आपको आराम से लड़ झगड़ के 700-800 में मिल जाएगी अगर आपको बार्गेनिंग आती. अच्छा, तो मुझे ये 3D वर्क वाली चादर पसंद आई थी. इसका कपड़ा थोड़ा सा क्रिंकली शेफोनी टाइप का था. वो कह रहे थे डाई भी हो सकता है, आप किसी कपड़ों के साथ डाई कर सकते हो. 1800 लास्ट में मिलेगा एंड आई सेट के नहीं, मुझे 1000 रुपीज़ का दें तब ही मैं लूँगी. उन्होंने बोला 1200 में दे देंगे, लेकिन फिर भी मैंने छोड़ दी क्योंकि मुझे पता था कि मैं पहनूँगी तो नहीं. फिर हम अंदर एक शॉप पर गए, यहाँ पर आपको 3 पीस, 2 पीस शर्ट, मतलब चादरें, सब कुछ मिल जाएंगी, सब कुछ, बेडशीट के कपड़े वगैरह, सिल्क. एक शॉप मैं आपको दिखाऊंगी, वहाँ से हमेशा मैं सिल्क के कपड़े लेके जाती हूँ. अच्छा, यहाँ से जो मैं कपड़े लेके गई हूँ ना, उनकी जो स्टफ़ है वो भी बहुत अच्छा है. सेम बिल्कुल बड़े ब्रांड्स जो होते हैं ना उनकी तरह. इनका हमेशा कहना ही है कि बड़े ब्रांड्स वाले जो हैं यहाँ से आकर कपड़ा लेके जाते हैं और फिर वो सिलाई करते हैं. आई होप कि इट्स नॉट ट्रू, बट चलो खैर जो भी है. सो ये तमाम इनके पास 2 पीस थे, जो सेपरेट, मतलब कि प्रिंटेड शर्ट और प्लेन शलवार, वो ये लोग मेरे ख़्याल से 1500 का सेल कर रहे थे. और जो कि फुल सूट, मतलब शलवार कमीज़ दोनों सेम सेम, वो 2000 का. और अब मैंने इनको बोला कि भाई नहीं, मुझे तो 1000 रुपीज़ का आप देंगे, बिल्कुल जो सेम सेम है दोनों शलवार कमीज़. मुझे इन्होंने फाइनल जो है 1200 का दिया. फिर मैंने ये चादर देखी, बहुत हसीन, बहुत प्यारी, लेकिन व्हाट आई फेल्ट कि बहुत जलाएगा भाई, बहुत गर्मी है आजकल. तो फिर ये बता रहे थे कि ये सारी जो है शर्ट्स पड़ी हुई हैं, अगर आपको चाहिए तो. मैंने हिब्बा और नाबिया के लिए भी 2 पीस जो है वो फुल सूट लेके उनके कपड़े भी बनाऊंगी. अच्छा, ये मुझे कह रहे थे ये थोड़ी सी लो क्वालिटी है, आप अगर चाहो तो मैं ये आपको थोड़ा सा सस्ते में दे दूंगा. ये बारगेन चल रही थी यहाँ पे.
सो अम्मी ने अपने लिए और मेरी छोटी बहन के लिए दुपट्टे लिए कपड़ों के साथ, जो कि वो डाई करवाएंगी बाद में। मुझे ये वाला प्रिंट भी बहुत अच्छा लगा, लेकिन मुझे ऐसी फीलिंग आ रही थी कि ये थोड़ा सा सूती, मतलब वो पोलिस्टर टाइप वाला है, जो कि गर्मी जिसमें फील हो सकती है, तो मैंने ये छोड़ दिया। और ये मैंने पिंक वाला लिया, जो कि ये भाई साहब काट रहे हैं। पीछे से मैंने बताया मुझे वो वाला भी दिखाएं कि वो क्या है, और वो भी टू पीस था लेकिन सेपरेट, मतलब कि शलवार जो थी वो प्लेन और शर्ट प्रिंटेड। ये भी मुझे काफ़ी प्यारा लगा, लेकिन फिर मैंने रहने दिया। आजकल चिकनकारी की ये शर्ट्स जो हैं बहुत इन हैं, और ये भाई साहब कह रहे थे कि 1800 आपको मैं दे दूँगा, लेकिन आई सेड के नहीं भाई, 1200 में देनी है तो ठीक है। और फिर मैंने छोड़ दी, क्योंकि बहुत गर्मी है, पहनी तो जाती है नहीं, और मैं चीज़ ले लेती हूँ फिर पड़ी रहती है, फिर किसी को मैं दे देती हूँ, तो मैंने नहीं ख़रीदी। फिर हम दूसरी शॉप पे आए, यहाँ पर आकर बहुत सारे कपड़े पड़े हुए थे, एंड भाई साहब ने बोला कि 2500-2500 रुपये के हैं, हम आपको 2500 में ही देंगे, नहीं 2800 में। फिर मैंने ये वाला सूट जो है वो थोड़ा सा सिलेक्ट किया, क्योंकि मैंने कुछ बनवाना है इससे, जो कि मैं आपको दूसरी वीडियो में दिखाऊंगी। ये कपड़े मैं सिलने के लिए दे चुकी हूँ, ठीक है, तो जब ये सिल के वापस आएंगे फिर आपको पहन के दिखाऊंगी। तो ये इन भाई साहब ने मुझे लास्ट 1700 रुपीज़ का दिया, मतलब 2800 से ये 1700 तक आ गए। तो आप ख़ुद अंदाज़ा लगा लें कि बारगेनिंग बहुत होती है यहाँ पे, अगर आपको तरीका आता है तो आपके बहुत सारे पैसे बच सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे ये ज़ख्मी सिल्क सेंटर है ना, इनके पास इतने अच्छे कपड़े, इतनी अच्छी सिल्क, मतलब मैं हमेशा जब भी आती हूँ ना इनके पास ज़रूर आती हूँ, क्योंकि इनके पास बहुत ही नई वैरायटी के कपड़े होते हैं। अब इन भाई साहब को नहीं पता कि मैं कौन हूँ, प्लीज़ इनको कॉल मत कीजिएगा और तंग मत करिएगा, ठीक है। जब आप विज़िट करोगे तो फिर ज़रूर यहाँ शॉप पे जाना, ठीक है। तो ये प्रिंट देखे भाई, हिबा और अनाबिया के लिए मैंने यहीं से कपड़े लिए हैं, फिट क्वालिटी, और 1200 रुपए का मैंने फुल सूट लिया है, जिससे मेरे कपड़े बन सकते हैं, लेकिन मैंने उन दोनों के लिए लिया है ताकि उनके खुले डुले कपड़े बन सके आराम से, चाहे फ्रॉक सिलवानी हो, चाहे कपड़े धोती शलवार, या मतलब शॉर्ट शर्ट धोती शलवार बच्चों के साथ बहुत प्यारी लगती है। बात बहुत लंबी होगी, हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए। अच्छा, अब मैं अपने हस्बैंड के लिए और अबू के लिए कपड़े ले रही थी। जेंट्स वैरायटी बहुत ज़्यादा, यहाँ पूरा एक प्लाज़ा बना हुआ है जहाँ पे सिर्फ जेंट्स के कपड़े होते हैं, लेकिन मैं इनके पास इसलिए आई हूँ क्योंकि हम जब भी आते हैं हम इनसे कपड़े लेते हैं, बारगेन भी अच्छी करते हैं। अच्छा जी, ये राजा जी पे आए हैं हम अभी। राजा जी के कपड़ों की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, लेकिन थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती है बाकी पूरे मार्केट से। पूरा मार्केट जो है वो 700-800 रुपए डिस्काउंट करता है, ये लोग आपको सिर्फ 100-200 डिस्काउंट करेंगे, और इनके कपड़े बेहतरीन होते हैं। अम्मी ने यहाँ से अपने लिए 3 पीस लिया, मैंने कुछ नहीं लिया क्योंकि मैंने ऑलरेडी बहुत कुछ ले लिया था, वैसे मुझे पसंद बड़ा आया था, बट आई सेड रहने देते हैं। तो अम्मी ने 250 कह रही हूँ 2500 का लिया सूट अपने लिए। मुझे ये नीचे जो ब्लू पड़ा हुआ है ये बड़ा पसंद आया था, बट फिर मैंने छोड़ दिया, बहुत ब्लू हो गए हैं साल, येलो ब्लू और ब्लैक। फिर मैं निकल पड़ी कट पीस देखने के लिए, क्योंकि मैंने अदन के लिए इस बार ईद पे जो है कमीज शलवार बनानी। मेरी सास हमेशा मुझे बोलती हैं प्लीज़ नाजिश इसको कमीज शलवार पहनाओ, ये बहुत ही प्यारा लगता है। तो आज इस ईद में, आज कह रही हूँ इस ईद में जो है मेरी सास की ख्वाहिश पूरी हो जानी है, मैं सिलवाऊंगी अदन के लिए कमीज शलवार। वैसे वो पहनता नहीं है, बड़ी मुश्किल से पहनाना पड़ता है। इसके बाद जो है हम जलबरी गए, वर्दा गए, वहाँ पे सेल थी, गुल अहमद, मतलब बहुत सारे ब्रांड्स हैं मर्दान में, खाड़ी क्या कुछ नहीं। अच्छा, ये शर्ट जो है ना 1200 रुपए की जलबरी में, जलबरी के कपड़े काफ़ी अफोर्डेबल और काफ़ी अच्छे होते हैं, मतलब मैंने खुद टू पीसेस लिए मैं घर में पहनने के लिए, मतलब फ़ील ही नहीं होता कि आपने कपड़े पहने, इतने कंफर्टेबल होते हैं। अगर आप लोग कुछ लेना चाहो देन डेफिनेटली ट्राई। शॉपिंग जो है ना वो डन हो गई है, अब घर जाके मैं आप लोग को एक एक चीज़ दिखाऊंगी कि क्या कुछ लिया है मैंने, ठीक है। तो जैसे मैंने आप लोगों को बोला था मैं सबसे पहले आप लोगों को चीजें दिखाऊंगी, तो सबसे पहली शॉप में जब हम गए, वैसे आजकल जो है ना टू पीस का बिल्कुल सेम जो है ड्रेसेस का फैशन है, मतलब प्रिंटेड ड्रेसेस जो होते हैं
शलवार कमीज बिल्कुल सेम। तो आई थॉट कि मैं इस गर्मी में अपने लिए वही बनवाऊंगी, क्योंकि वो लड़कियां जो कि भरे हुए कपड़े पहनती हैं शादीशुदा, हम जैसे मैरिड खवातीन जिनको घर भी देखना होता है, गोश्त भी संभालना होता है, बच्चे भी संभालने होते हैं, हम लोग लॉन का सूट ही पहन सकते हैं। मैं ईद की बात कर रही हूँ, ऑब्वियसली ईद में ही गोश्त संभलता है, ठीक है। तो हम लोगों को लॉन के सूट ही सूट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने ये बहुत ही प्यारा नियॉन पिंक सी लाइंस है इसमें, थोड़ा जूम करके दिखाएंगे प्लीज, एक्सक्यूज मी प्लीज। बहुत ही प्यारा प्रिंट है, गेस करेंगे मुझे कितने का मिला होगा। वैसे ये बोल रहे थे कि 1800 का मिलेगा, लेकिन ये मुझे कितने का मिला, 1200 का ना। हाँ, ये मुझे 1200 का मिला है। अब हम इसको सिलाई कराएंगे और फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोग को दिखाऊंगी ड्रेस डिजाइनिंग वाली वीडियो कि ये मैंने किस तरह से बनवाया और इसके साथ दुपट्टा मैंने कैसे कैरी किया है, ठीक है। नेक्स्ट हम किधर गए थे, अच्छा नेक्स्ट फिर हम साथ वाली शॉप पे गए और वहां पे मुझे ये 3-पीस सूट बहुत प्यारा लगा, जो कि अब मैं घर आई हूँ तो मुझे खास इतना प्यारा नहीं लग रहा, लेकिन हाँ प्यारा है, गुजारा कर रहा है, घर में बनाने के लिए इट्स फाइन। ये दुपट्टा है इसके साथ, बहुत ही सॉफ्ट लॉन का दुपट्टा, ठीक है। मैं खोल के दिखाती हूँ, ठीक है। ये 1700 का था। अच्छा, ये जो शर्ट है, जूम कर, ठीक है, ये रहा दुपट्टा और साथ में ये बिल प्लेन शलवार, दुपट्टा नहीं ये ये रही कमीज, ठीक है, और साथ में रही प्लेन शलवार कमीज का फुल यही डिज़ाइन है, ठीक है। कोई गला, कोई स्लीव्स, अलग डिज़ाइंस नहीं है, मुझे ऐसे ही कपड़े पसंद आते हैं, मुझे वो गले और दामन वाले कपड़े बेहद नापसंद है आजकल। अच्छा, तो ये मुझे 1700 रुपीस का मिला था, मैंने क्यों लिया आई डोंट नो। अच्छा, नेक्स्ट है, मैंने अनाबिया और हिबा के लिए मैचिंग कपड़े लिए हैं कि दोनों के लिए मैं बिल्कुल मैचिंग कमीज शलवार बनाऊंगी या धोती शलवार, साथ में शॉर्ट शर्ट बनवा लूंगी ईद के लिए, क्योंकि इस ईद में बहुत गर्मी होने वाली है। तो अगर आप रेडीमेड ले रहे हो बच्चों के लिए, जैसे कि ब्रांड वगैरह की शर्ट पैंटें हो गई, वो आपकी अपनी मर्जी है, लेकिन मेरे ख्याल से इस सीजन कमीज शलवार पहनाए तो बेहतर रहेगा। अच्छा, तो फर्स्ट प्रिंट जो मैंने लिया है वो दिखता कुछ इस तरह से है। ये सारे ना, ये फुल सूट है, मतलब इससे मेरी कमीज शलवार भी बन सकती है, और ये मुझे 1200 रुपीस का मिला है, और अनाबिया और हिब्बा के इसमें से कपड़े बन सकते हैं, ठीक है, आराम से 1200। अगेन ये फुल सूट है, 2-पीस, और जैसे मैंने आपको बताया 1200 1200। अच्छा, थर्ड वन जो है वो ये रहा, एक ये रहा और एक पे छोटे छोटे से फ्रूट्स बने हुए। ये क्या लिखा हुआ है, दुकान का क्या नाम है, बेनजीर बेंजर लग ऐसे रह लगे जिससे बेनजीर लिखा हो। अच्छा, फिर मैंने अपने हस्बैंड के लिए और अब्बू के लिए बेंजर से कपड़े लिए हैं, तो क्या हुआ जो भी है, तो इट इज एक्सपेंसिव, 1200 रुपये, बट इट इज एक्सपेंसिव फॉर सो मैनी पीपल आउट देयर स्टिल, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, तो इसका कपड़ा बहुत ज़बरदस्त है गर्मियों के सीज़न के लिए, इट इज़ वेरी सॉफ्ट ब्रीथेबल कपड़ा जिसको बोल सकते हैं, कुछ वैसा है। अच्छा, इसको डिफाइन कैसे करते हैं मुझे नहीं पता भाईजान, ये कौन सा कपड़ा है, अच्छा बस अब्बू के लिए और मेरे हस्बैंड के लिए मैंने सेम लिए हैं, लेकिन चेंज कलर है, ये रहा अब्बू का, ये रहा हस्बैंड का। ओके, सो नेक्स्ट मैंने ना एथनिक पे कपड़े देखे थे, 2-पीस था, 6000 रुपये का वो, तो सेम वही डिज़ाइन मुझे यहाँ पे शॉप पे मिला, और वो मुझे कह रहे थे कि आपको जो कमीज़ है वो हम 800 रुपये की देंगे, ठीक है। तो ये दिखती कुछ इस तरह से है, इसका जो लॉन का स्टफ़ है उफ, इतना कोई कम्फर्टेबल है ना आपकी सोच, तो करीब करो ज़रा भाईजान, इस पर ये काम हुआ हुआ है, और ये मुझे 2-पीस उन्होंने 800 रुपये का दिया है लड़ झड़ के। नहीं, लेकिन इतनी बार्गेन नहीं, लेकिन आपको बार्गेनिंग आनी चाहिए, अगर आप शीरिन कोटो या रशकई जा रहे हो तो आपको बार्गेनिंग आनी चाहिए। अगर आपको बोलते हैं 2000 तो एटलीस्ट उनको बोलें कि 1000 रुपये में दे दें, तो वो आपको एटलीस्ट 1200 या 1400 में दे देंगे, याद रखें। सो ये बहुत ही प्यारा है, इंशाल्लाह इसका जब मैं बनाऊंगी ना शर्ट और ट्राउजर तो फिर आप लोग से ज़रूर शेयर करूंगी, ठीक है। अच्छा, फिर मैंने अदन के लिए और उनके बाबा के लिए सेम कॉटन का सूट लिया है, क्योंकि ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा था, चमकता हुआ दूर से, तो आई थॉट दोनों के बिल्कुल सेम ड्रेस होंगे ईद में तो बहुत ही प्यारे लगते हैं। तो अदन के लिए मुझे मिला है 750 का, ठीक है, 3 मीटर था ना ये गज था, ठीक है, 3 मीटर मुझे 750 का पड़ा है, और मेरे मियाँ के जो कपड़े हैं वो मुझे 1200 रुपीज़ के पड़े हैं, फुल सूट सेम। अच्छा,
फिर मर्दान कोई इतना डेवलप हो चुका है ना कि ब्रांड का नाम लें और वो मर्दान में मौजूद होगा। इतने ब्रांड जो है ना वो वाकेंट में नहीं है जितने मर्दान में है। तो खुश नसीब है मर्दान वाले। ठीक है, तो हम लोग गए ज़लबरी, क्योंकि ज़लबरी में जेंट्स कलेक्शन बहुत अच्छा होता है और बहुत रीज़नेबल प्राइस में होता है, क्योंकि आजकल के मर्दों की सिलाइयाँ भी बहुत एक्सपेंसिव हो गई हैं। सो आई प्रेफर के मेरे हस्बैंड जो है वो सिले सिलाई कपड़े ले लें। तो ये जो है ना, ये मैंने उनके लिए लिया है ज़लबरी से। बहुत ही प्यारा स्टिच हुआ है, बहुत ही डिसेंट, और कलर भी बहुत ही प्यारा है, एंड द कपड़ा इज़ सो गुड। एंड ये रहे कफ, और शलवार दिखाने की ज़रूरत नहीं, ऑब्वियसली शलवार का तो पता ही है क्या डिज़ाइन होता है। अच्छा, तो ये पड़ा है 3000 समथिंग का, आई डोंट रिमेम्बर, और यहाँ पे लिखा नहीं हुआ। खैर, आई लव इट, मतलब मेरी पसंद का है, आई लव इट। ज़लबरी से मैंने अपने लिए कुछ नहीं लिया, वो कहते हैं ना बच्चों के लिए ले लो तो ऐसा फील होता है जैसे अपने लिए सब कुछ ले लिया। तो अदन के लिए मैंने ज़लबरी से बना बनाया कुर्ता लिया है ईद के लिए, जो कि दिखता कुछ इस तरह से है। अदन बहुत तंग होता है वो कफ वाले कपड़ों में, और बड़े जो यहाँ पे कॉलर, वो मोटा सा कॉलर होता है ना, बहुत तंग होता है अदन। तो मुझे ये नज़र आया एंड आई थॉट लेट्स बाय दिस। अदन जो है ना बहुत तंग होता है बड़े कॉलर और कफ वाले कपड़ों में, तो मैंने कुर्ता स्टाइल वाले स्लीव्स सिलेक्ट किए और छोटा कॉलर, तो इसमें आई होप कि वो तंग नहीं होगा और उतारेगा नहीं जल्दी से। सो ये मुझे मिला है 2490 रुपीस का, एंड इसका कपड़ा भी बहुत अच्छा है। सो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। अच्छा, जो कपड़े मैंने लिए हैं ना वो मैं इंशाल्लाह सिलाई करके डिज़ाइन सारा कुछ हिब्बा का, अनाबिया का और अपना आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी, पहन के दिखाऊंगी, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया हो जाए और ईद आउटफिट जो है आप आसानी से सिलाई कर सको अपने लिए, वो भी बजट में। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ढेरों ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।